केंद्रीय बजट को कांग्रेस ने निराशाजनक करार दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे सकारात्मक और विकासवादी बताया। भाजपा के ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि बजट के माध्यम से हम विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो बजट निश्चित रूप से भारत को एक विकासशील देश से निकालकर एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ाने के नाते ये बजट बहुत कारगर साबित होगा। समाज के प्रत्येक वर्ग को विकसित करने के नाते इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है, चाहे महिलाओं का विषय हो, चाहे नौजवानों के आगे बढ़ने का विषय हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट की बात इसमें कही गई हो। आज से 5 साल पहले केवल एक भी संस्थान जो हमारा देश का है वो विश्व के टॉप 200 में नहीं आता था, और पिछले 5 साल के अंदर टॉप 200 के अंदर हमारे 3 संस्थान आने लगे। और उसी को आगे देखते हुए उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 400 करोड़ का बजट उच्च शिक्षा के लिए अलग से रखा है। देखिए, बजट ऐसा लगता है कि मूल सिद्धांतों के खिलाफ आया है। जैसे प्रस्तुतिकरण हुआ उससे स्पष्ट हो रहा था कि बजट के जो प्रोविजंस होते हैं उनकी अनदेखी की गई। महंगाई बढ़ाने वाला बजट है, मध्यम वर्ग की अनदेखी इसमें की गई है। साथ ही पहले से चली आ रही जो वेलफेयर स्कीम्स थी उनके बारे में कोई विवरण इसमें नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि सभी योजनाएँ विफल रही हैं।